हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज ना शाम से ही वीडियो स्टार्ट करी हूँ। आज दिन में मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि ना दिन में लाइट भी नहीं थी और फिर दिन में इतना समय भी नहीं मिला कि मैं कोई ब्लॉग बना सकूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ना कि सिवांश आज मोबाइल ले लिया था, उसे कुछ फाइल वाइल बनाना था, जिस वजह से पूरा दिन भर मोबाइल ले लिया था, जिस वजह से मैं कोई भी ब्लॉग दोपहर में नहीं बना सकी। तो फिर यहाँ पे देखिए, मैं शाम से स्टार्ट करी, करीब 5 बजे, हाँ 5:30 हो रहा है और आज है संडे का दिन। तो यहाँ पे देखिए शाम को, और सबसे पहले मैं जितना आंगन में कल का कपड़ा था सब उतार के रख दी हूँ। और प्रिंसी से कह दी थी ना कि प्रिंसी जब तक तुम कुछ बर्तन अंदर है किचन में भी तो वो सब ले आके रख दो, तो बस प्रिंसी भी वही करने लगी थी। और तब तक यहाँ पे मैं मशीन में लगा दे रही हूँ कपड़ा, क्योंकि दोपहर में लाइट थी नहीं, तो बस यहाँ पे देखिए मशीन में लगा दे रही हूँ कपड़ा। और प्रिंसी जितना भी बर्तन है किचन में प्रिंसी सब ले आके बस वही रख रही थी। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी और सब जगह की झाड़ू उड़ू लगाऊँगी। और मम्मी है छत पर, क्योंकि आज सुबह गेहूँ धुला गया था तो मम्मी बस वही गेहूँ झटक रही हैं छत पर। और प्रिंसी देखिए मम्मी के पास चली गई है, और ये सब ये गए हैं दवा लेने के लिए। मतलब कोई इनसे बताया था ना कि कोई आयुर्वेदिक दवा है जो काफ़ी फ़ायदा करेगा यूरिन एसिड में, तो बस वहाँ चले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही थी आगे वाले कमरा में झाड़ू, और इसी समय ना जो मेरी बड़ी वाली ननंद है तो उन्हीं के देवर आ गए थे, तो बस तब मैं भी ना थोड़ा शर्म लग रही थी, झाड़ू लगा रही थी। तो फिर देखिए मैं उनका पैर उड़ छू के फिर आ गई यहाँ पर। और फिर मैं प्रिंसी से कही कि जाओ दादी को बुला लाओ छत पर से, बस सिवान चला गया है पापा को फ़ोन करने। सिवान चला गया था अपने पापा को फ़ोन करने और ये आए थे, तो मतलब वही इनका तबीयत का सुने थे ना कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बस वही इन्हीं के लिए देखने के लिए आए थे। और यही भर नहीं, काफ़ी लोग आ रहे थे देखने के लिए जो भी सुन रहा था, क्योंकि ना इनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बस सब वही आ रहे थे देखने के। तो यहाँ पे देखिए, और इसीलिए आज यहाँ दिन में कुछ काम भी नहीं हो सका था, भाई कोई आ रहा था जा रहा था, फिर चाय पानी कुछ ना कुछ लगा ही रहता, तो बस इसलिए। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ का डोरमेट वोरमेट डाल दी थी। और फिर मैं मम्मी को भी फिर मैं एक बार फिर से आवाज़ दी थी मम्मी से कि अच्छा नहीं लगता ना कोई भी मेहमान आ जाए ऐसे अकेले बैठे रहते तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर से मैं प्रिंसी को भेज दी थी छत पर, तो प्रिंसी देखिए गई थी मम्मी को बुलाने, देखिए जा रही थी। और फिर इनको चाय पानी सब, तब तक ये भी आ गए थे डॉक्टर के पास से, तो चाय पानी इनके लिए बना दी थी, नमकीन उमकीन। तब तक ये मना कर दिए हैं कि कुछ नाश्ता मत बनाना, मैं कुछ लेते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ले आए थे समोसा, तो बस ये चल रही मैं उनको दे दे रही हूँ प्लेट लगा के, और बच्चे लोग को भी दे दूँगी। और लीजिए आप लोग भी आइए खा लीजिए गर्म गर्म समोसा और चटनी, मीठी चटनी भी ले आए थे। अब मुझे भी ना दोस्तों सर्दी हो रही है, बहुत तेज़ सर्दी हो रही है, इतनी छींक आ रही है ना कि जैसे एकदम मुझे ना छींक बहुत आती है सर्दी में, और मैं छींकते छींकते एकदम जैसे पस्त हो जाती, इतना ज़्यादा मुझे छींक आती। सबको तो एक ही दो छींक आती है ना, लेकिन मुझे लगातार जब आने लगती है ना छींक, तो कम से कम 10-12 छींक साथ में ही आने लगती। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी लोग को भी बुला के दे दे रही थी। और ना दोस्तों सुबह का ही काम नहीं होता है, शाम को भी उतना ही काम होता है। फ़र्क इतना रहता है कि शाम को थोड़ा सा टिफिन उफिन का झंझट नहीं होता है, लेकिन शाम को भी ना कमर तोड़ मेहनत होती है, ये तो मुझे पता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो गेहूँ झटक रही थी तो आधे छोड़ के चली गई थी, तो फिर मैं सब उठा ले। खैर मुझे तो झटकना आता नहीं है गेहूँ, मम्मी झटकती, बाकी सब कर चुकी थी, बस ये थोड़ा सा गेहूँ रह गया था, मैं कहीं उठा के लेते चल रही हूँ नीचे और मम्मी से सुबह झटक लेंगी, क्योंकि अभी तक वो बैठे हैं। तो फिर मम्मी लोग उन्हीं के पास बैठी और ये सब भी वहीं बैठ के सब आगे वाले कमरा में बात उत करें, बाकी का मैं अपना यहाँ पे देखिए काम कर रही थी। और आज ना दोस्तों बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब इतना ज़्यादा बर्तन हो गया है। ये देखिए यहाँ पे प्रिंसी आ रही थी सीढ़ी पर से, मैं पीछे थी तो मेरे हाथ में मोबाइल जैसे पकड़ी थी ना, तो उसी तरह से मोबाइल था, तो बस थोड़ा सा देखिए प्रिंसी का सूट कर ली थी। और उसके बाद फिर देखिए बर्तन का ढेर कितना लगा हुआ है, क्योंकि आज ना मैं सुबह बर्तन नहीं धुली थी, जो नाश्ता का बर्तन था आज नाश्ता का बर्तन नहीं धुली थी, जिस वजह से इतना ज़्यादा बर्तन हो गया है। तो बस प्रिंसी से मैं कही कि प्रिंसी चलो थोड़ा सा हेल्प कर दो बेटा, थोड़ा सा मतलब मैं घस दे रही हूँ, तुम जल्दी से धो लो, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा तुम धो दोगे ना, बाकी का और मैं सब कर दूँगी। तो प्रिंसी देखिए बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए, और मैं घर से जा रही हूँ फटफट, और प्रिंसी धुल रही, और वहाँ पर मेरा मशीन में कपड़ा भी हो जा रहा है। तो उसके बाद चलिए बर्तन धुल लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ।
और यहाँ पे ना बर्तन वर्तन सारा धुल के और फिर प्रिंसी के साथ में लेती गई थी, अंदर रख दी थी क्योंकि ज़्यादा बर्तन था ना तो अकेले नहीं उठता। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ की झाड़ू उड़ू सब लगाने के बाद, और तब तक मेरा कपड़ा भी सब हो गया था तो मैं कपड़ा सब यहाँ पे ही फैला दे रही हूँ। और जो मेरा कपड़ा था ना, आप लोग देखे होंगे कि मैं अपनी साड़ी निकाल के रख दी थी क्योंकि मैं अपना कपड़ा तो निरमा में धुलूँगी नहीं, तो लास्ट में ना मैं अपना कपड़ा बस पानी में ही धुल दी थी, निरमा में नहीं धुली थी अपना कपड़ा। अपना और इनका दो जन का बस कपड़ा निरमा में नहीं धुलती, बाकी सबका धुल देती। और आज ना मैं अपने बेड का चादर भी बदल दी थी तो बस इसमें चादर भी डाल दी थी क्योंकि ना पता नहीं क्यों कल रात में ना ये सोए थे बेड पे ना तो इतनी ज़्यादा इनके बदन में खुजली हो रही थी तो जिस वजह से फिर मैं चादर बदल दी थी। और उसके बाद देखिए सब काम उम करके खाली हो गए तो फिर यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ प्रिंसी के बालों में तेल क्योंकि अब कल से हो रही है लोग की स्कूल चालू। दो दिन की तो छुट्टी पड़ गई थी, यानी फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी थी, बाकी संडे 3 दिन छुट्टी थी टेस्ट के बाद। और उसके बाद फिर कल से इनकी सबकी स्कूल चालू हो जा रही। और तेल ना मैं इतनी समय प्रिंसी के बालों में खूब अच्छे से मसाज करती हूँ, कम से कम 10 से 5 मिनट में करती हूँ अच्छे से मसाज। और मैं नहीं कर सकती ना तो फिर मम्मी लगा देती हैं तेल या तो फिर प्रिंसी खुद लगा लेती है क्योंकि बिना तेल के ना बाल एकदम रूखा रूखा रहता है और सुबह जब चोटी करने लगो ना तो बहुत उलझता है, तो इसलिए मैं हमेशा देखिए तेल। और यही इसी वजह से ना प्रिंसी का बाल बहुत अच्छा है, हमारे घर में सबसे अच्छा बाल प्रिंसी का है क्योंकि मैं इसे हमेशा तेल में डेली में बिना तेल के नहीं रखती, ना तो प्रिंसी का ही बाल रखती हूँ ना अपना ही बाल रखती बिना तेल के। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी का, और ना फिर तेल लगाने के बाद मैं कंघी नहीं करती, बस ऐसे ही चोटी कर देती हूँ। तो बस प्रिंसी को देखिए तेल और लगाने के बाद, और उसके बाद फिर देखिए जो मेरा कपड़ा था लास्ट में तो उसे मैं फैला रही थी ना तो प्रिंसी थोड़ा सा मेरा ब्लॉग बना ली थी, तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है तुम बनाइए तो फिर मैं इसे डिलीट नहीं करूँगी। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में और अब चल रही हूँ करूँगी शाम के खाना की तैयारी। तो शाम के खाना में इनके लिए बनाऊँगी करेला का चोखा और रोटी क्योंकि आज जिस डॉक्टर के पास ये गए थे ना होम्योपैथिक तो वो सब यही बताएं कि ये सब खाने से ना इनका जो यूरिन एसिड है वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो बस यही बनाऊँगी इनके लिए। और फिर इसी में ना मतलब पहले तो करेला उबालने के लिए रख दूँगी और फिर इसमें आलू जब उबालूँगी तो उसे मैं अपने सबके लिए बस चोखा रोटी बनाऊँगी क्योंकि अब बचे हम ही 3 जन, तब कौन सब्जी, फिर सुबह भी आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी ना तो फिर आलू जी उब गया है एकदम आलू से। और इस समय कोई सब्जी वाले आ भी नहीं रहे क्योंकि दोनों तरफ पानी लगा है हमारे यहाँ ना तो फिर सब्जी वाले नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब मतलब करेला रख दी थी उबलने के लिए और उसका जितना ये बर्तन था तो मैं बर्तन सब लगा ले रही थी क्योंकि ना बर्तन स्टैंड में एक भी बर्तन नहीं रह गया है और बच्चे लोग जैसे पानी उनी पीना रहता ना तो इसी में से सब बर्तन ले जाते तो फिर अच्छा नहीं रहता जो आवाज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए सारा बर्तन लगा लूँगी और उसके बाद फिर चलूँगी मैं आटा वाटा लगा लूँगी। देखिए बर्तन वर्तन मैं सब लगा चुकी थी और यहाँ पे देखिए मम्मी भर रही थी सब डब्बा में गेहूँ, मतलब जितना आज गेहूँ धुला गया था कम से कम 30-35 किलो करीब गेहूँ धुला गया था तो उतना सूख गया था तो मम्मी सब डब्बा में भर के रख दे रही थी। और डब्बा में भर के गेहूँ रखने से ये अच्छा रहता ना कि जब भी ज़रूरत होती तो यूज हो जाता है, सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैं भी देखिए रोटी सेक ले रही थी, मेरा देखिए आलू भी उबल गया है और करेला भी उबाल के और एक टमाटर भूज के रख दी थी क्योंकि अपने सबके मैं टमाटर डालूँ, बाकी इनके लिए तो बस करेला और आलू का ही चोखा बनाएंगी मम्मी। और आलू भी ना बस इनके मैं नाम मात्र डालेंगी, बहुत मतलब थोड़ा सा आलू डालेंगी, बाकी पूरा करेला ही रहेगा। तो फिर उसके बाद और उनको भी फिर दवा ववा सब दिया जाएगा अपना, फिर वो दवा ववा खा के फिर वो भी सोएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं भी रोटी सेक लूँगी और मुझे भी करना है बच्चों का स्कूल का ड्रेस प्रेस क्योंकि अभी ना उनका सबका मैं ड्रेस प्रेस नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर आ गई थी मैं इनका सबका ड्रेस प्रेस करने। और चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आप सबसे फिर मैं एक नए ब्लॉग में मिलूँगी एक नई सुबह के साथ। और चलिए आज का ब्लॉग अब यहीं पर रखती हूँ, अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ पे देखिए चलिए मैं अब आप सब लोग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।